जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, तुमने लिखा कि मुझे सत्संग बहुत कम मिलता है, सो ठीक है, श्रद्धा भक्ति के साथ सत्संग की खोज करने से प्रायः सभी जगह सत्संग मिल सकता है। जिसे सत्संग से प्रेम होगा वह जहाँ कहीं भी सत्संग खोज लेगा उसे सत्संग मिल जाएगा। प्रेम की कमी के कारण थोड़ा विलंब भी हो सकता है, परंतु सत्संग की बहुत अधिक उत्कंठा होने पर तो शीघ्र ही मिल सकता है। सत्संग का विध न बैठने पर स्वयं भगवान ही उससे साधु रूप में मिल सकते हैं। समय की कीमत शीघ्र जान लेनी चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, गया समय फिर हाथ आता नहीं, गया हुआ समय फिर हाथ आता नहीं, ऐसा जानकर बड़ी शीघ्रता से बहुत ऊंचे काम में लग जाना चाहिए और उसी में समय को बिताना चाहिए। दिन बीत जाएंगे, मृत्यु का समय समीप आ जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं चलेगा, ऐसा जानकर असली काम बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। फिर आनंद ही आनंद है। समय बीता जा रहा है, जो समय को अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना जो किसी दूसरे काम में समय बिताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता रहता है। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है। भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। तुम्हें सावधान होकर एक पलक भी जहाँ तक बन सके भजन ध्यान के बिना जाने नहीं देना चाहिए। जब तक संसार में आकर निरंतर ध्यान का साधन नहीं किया तब तक कुछ नहीं किया। जिसे संसार का चिंतन करते समय मृत्यु मारेगी वह संसार में चक्कर लगाता फिरेगा, और भगवान के भजन ध्यान में जिसके प्राण जाएंगे उसको भगवत प्राप्ति होगी। इससे सब समय भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कुछ भरोसा नहीं कि मृत्यु किस समय आ जाए। जो जीते ही श्री भगवान में युक्त हैं उनको उनकी तो बात ही क्या है, वे तो जीवन मुक्त हैं, उनके तो दर्शन ही लाभदायक हैं। ऐसे पुरुषों का मिलना तो भगवान की कृपा से ही होता है। उनसे मिलने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। जिस दिन ऐसे पुरुष मिल जाएंगे उसी दिन उनके समान होने में कोई शंका नहीं है। जब तक वैसा नहीं होता तब तक उनका मिलना हुआ ही नहीं, साधारण मनुष्यों के साथ ही मुलाकात हुई। पिछले पाप चाहे जितने हो कोई चिंता नहीं, निरंतर निष्काम भाव से भजन होना चाहिए। फिर पिछले सब पाप भजन के प्रताप से नाश हो सकते हैं। जब ही नाम हृदय धरयो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कृपा दया की बात नहीं लिखनी चाहिए। कृपा दया तो कृपा सिंधु की सबके ऊपर बनी ही है। समय बीता जा रहा है, असली कमाई को नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर भोग तथा संसार को मिथ्या जानकर उनका आसरा छोड़कर श्री भगवान का आश्रय लेना चाहिए।
संसार के काम में थोड़ा समय बिताना चाहिए। पेट तो अपना पशु भी भरते ही हैं। उत्तम उसी को समझना चाहिए कि जो दूसरों के हितों के लिए, जो दूसरे के हित के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। सभी लोग स्वार्थ में डूबे पड़े हैं। चेतना चाहिए, मनुष्य के शरीर का असली फल प्राप्त करना चाहिए। जो कुछ हो जीवन में उसी में आनंद मानना चाहिए। सब प्रभु की दृष्टि के सामने होता है। उसमें अपने मन को मैला करना मालिक का तिरस्कार करना है और मालिक की शरण में कलंक लगाना है। सब कुछ भगवान का है ऐसा समझना चाहिए। स्वामी अपनी वस्तु को चाहे जिस प्रकार बरते, सब उसी का है, मैं भी उसी का हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा मानकर हर समय आनंद में मग्न रहते हुए प्रेम सहित निरंतर श्वास द्वारा नाम का जप होता रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। नाम के जप के साथ साथ भगवान की मोहिनी मूर्ति याद करने के लिए आने के लिए विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। उसको अपने मन से और नेत्रों से कभी न भूले। हर समय अपने सामने देखता हुआ प्रसन्न चित्त से आनंद में ही मग्न रहता रहे, होता रहे। वैराग्य के लिए विवेक पूर्वक विचार का अभ्यास ज्यादा करने की चेष्टा करता हूँ। सो ठीक है, विचार से भी वैराग्य होता है, परंतु भजन ध्यान सत्संग का तीव्र अभ्यास करने से शीघ्र ही तीव्र वैराग्य हो सकता है। आपने लिखा कि स्फूर्णा ज्यादा रहने के कारण मन स्थिर नहीं होता, जिससे ठीक ठीक ध्यान नहीं हो पाता। एकमात्र नाम जप के आधार से ही रहता हूँ। सो ठीक है, निरंतर प्रेम सहित एकमात्र नाम के जप का आधार रहने पर तो सब बातें अपने आप हो सकती हैं। केवल प्रेम सहित नाम जप का अभ्यास होने के लिए ही शास्त्र और सत्संग के अभ्यास की चेष्टा करनी चाहिए। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान और वैराग्य उसके अधीन है। जय श्री राधे।